देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसर को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन खरीदारी के साथ साथ दान का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुओं का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, उन पर देवी लक्ष्मी की भी कृपा होती है। वहीं अगर आप अपनी राशि के अनुसार उपाय करेंगे तो अक्षय तृतीया पर आपको अधिक लाभ मिलेगा। मां लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें? मेष राशि के जातकों को अक्षय तृतीया के दिन 500 ग्राम मसूर की दाल को लाल कपड़े में लपेटकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रखना चाहिए। वहीं मेहनती लोग पूजा स्थान पर दाल रख सकते हैं। अक्षय तृतीया पर दाल का दान करने से भी आपको धन लाभ होगा। वृष राशि का स्वामी शुक्र सुख का कारक ग्रह है। धन वृद्धि के लिए एक सफेद पात्र में गंगाजल भरकर मुंह को सफेद कपड़े से ढक ले घर के पूजा स्थल या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में रखने से धन में वृद्धि होती है। मिथुन राशि में बुध के साथ जन्म लेने वाले लोगों को मूंग की दाल का दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन हरे रंग के कपड़े में पीतल के बर्तन को लपेटकर अपने पूजा स्थान में रख दें। इससे राशि स्वामी की स्थिति मजबूत होगी, सुख संपत्ति में वृद्धि होगी। कर्क राशि वालों को अक्षय तृतीया पर मोती धारण करना चाहिए। चांदी के सिक्के पानी में डालकर पूर्व दिशा में रखने से आय में वृद्धि होती है, खर्चे कम होंगे। सिंह राशि के जातकों को अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले प्रातः काल में उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद गुड़ का दान करना चाहिए। सेंधा नमक को एक पात्र में भरकर घर के चारों ओर ले जाकर पूजा स्थान में कहीं रख दे। स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ में काफी वृद्धि होगी। कन्या राशि के जातकों को बुध की दूसरी राशि में कपूर का दीपक जलाकर पूरे घर में घुमाना चाहिए। हरी चूड़ियां, श्रृंगार का सामान और मूंग दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर पन्ना धारण करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। तुला राशि के जातकों को धन वृद्धि के लिए अक्षय तृतीया पर सफेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। हीरा धारण करने से आप सुखी और समृद्ध रहेंगे। घर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में देवी की सफेद मूर्ति स्थापित करें। वृश्चिक राशि, इस राशि के लोगों को एक बर्तन में शहद भरकर लाल कपड़े में लपेटकर घर के दक्षिण भाग में रखना चाहिए। इस दिन मूंगा धारण करने से आपके स्वास्थ्य और धन में वृद्धि होती है। धनु राशि, इस राशि के जातकों को हल्दी को पीले कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर रखना चाहिए। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप कुछ धार्मिक पुस्तकों का भक्तों में वितरण करें। बूंदी के लड्डू का दान भी शुभ रहेगा। मकर राशि, आपकी राशि का स्वामी शनि है। अक्षय तृतीया के दिन एक बर्तन में तिल का तेल भरकर उसे काले कपड़े में लपेटकर घर की पूर्व दिशा में रख दें। फिर शनि स्तोत्र का 11 बार पाठ करें। इससे आपका भाग्य मजबूत होगा, मेहनत के अनुसार धन में वृद्धि होगी। कुंभ राशि, अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को दान करें, यह भाग्य को मजबूत करेगा। तिल, लोहा और नारियल का दान भी आपके लिए शुभ रहेगा। धन और सुख समृद्धि के लिए आप नीलम धारण कर सकते हैं। इसके लिए अक्षय तृतीया सर्वोत्तम है। मीन राशि, पीले कपड़े में पीली सरसों और कुछ सिक्के बांधकर मंदिर के ईशान कोण में रख दें। किसी बुजुर्ग को वस्त्र दान करें और उनका आशीर्वाद लें। माता पिता और गुरुजनों का कभी भी अपमान न करें। धन और मान दोनों में वृद्धि होगी।